सेकेंडरी सेल्स शुरू करते हैं। प्राइमरी सेल्स हम लोगों ने कर लिए थे लास्ट क्लास में। दो तरह के प्राइमरी सेल्स करे, एक कौन सा? ड्राई सेल, रिलैक्सेशन सेल, जिसको हम टॉर्च सेल के बुलाते हैं, और दूसरा हमने कौन सा करा था? वर्करी सेल या बटन सेल। ठीक है, सो आज हम करेंगे सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स क्या है? दे आर rechargeable cells, which means कि अगर ये वाला जो cell है वो dead हो जाए तो उसको बाहर से electricity pass करके हम वापस operative बना सकते हैं, right? तो front reaction जो इसकी या forward reaction हो रही है when the cell is in operation, जब सेल ऑपरेशन में होता है तो उसे बुलाते हैं हम इलेक्ट्रो केमिकल सेल, बिकॉज केमिकल चेंजेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। पर जब सेल इज नॉन ऑपरेशनल, और इन अदर वर्ड्स हम बोलते हैं कि सेल इज डेड, इन दैट केस जब हम सेल को रिचार्ज करेंगे तो सेल कन्वर्ट हो जाता है इंटू इलेक्ट्रिक सेल, या क्या बोलाते हैं उसको? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो इन दिस केस हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, रिएक्शन को रिवर्स करते हैं और सेल को ऑपरेशनल बनाते हैं, मतलब हम सेल को रिचार्ज कर रहे हैं। दो तरह के सेल्स हमने इसमें कर रहे हैं। द फर्स्ट सेल इज नोन एज लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। अब क्या हुई लेड स्टोरेज बैटरी? लेड स्टोरेज बैटरी को हम एक और नाम देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कार बैटरी। ठीक है, द लेड स्टोरेज बैटरी इट इज यूज इन कार्स, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, राइट, और इस सिलेंडर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ 38% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, 38% का मतलब हुआ 38 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स। ठीक है, सो 38% ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, जिसको हम एज इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। देन देयर आर अ सीरीज ऑफ लेड प्लेट्स, सीरीज ऑफ लेड प्लेट्स विच आर यूज एज एनोड। ठीक है, सो ये लेड की प्लेट्स है जिसको हम यूज कर रहे हैं एज एनोड। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में? नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज द नेगेटिवली चार्ज्ड एनोड। ठीक है, उसी तरह से कैथोड इज मेड अप ऑफ लेड डाइऑक्साइड प्लेट्स, दिस इज द लेड डाइऑक्साइड प्लेट्स, which are used as ठीक है, सो ये आ गया कैथोड मेड अप ऑफ लेड डाइऑक्साइड। और कैथोड इसमें क्या होगा?
पॉजिटिव बिकॉज द सेल इज बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल राइट. अब जब ये सेल ऑपरेशन में होता है तो क्या होता है कि जो दोनों रिएक्शन हम करेंगे, फर्स्ट रिएक्शन हम करते हैं एनोड पे, एनोड पे रिएक्शन, एनोड इज मेड अप ऑफ लेड और एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है. तो लेड माइनस टू इलेक्ट्रॉन्स टू गिव Pb2 पॉजिटिव. ठीक है, अब ये जो Pb2 पॉजिटिव यहां पे बन रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट के सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करता है. सो वापस आ गया Pb2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव टू गिव PbSO4 राइट. ओवरऑल रिएक्शन अगर एनोड की करें तो Pb2 पॉजिटिव और Pb2 पॉजिटिव कट गया. सो क्या रिएक्शन आ जाएगी, Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव PbSO4. ठीक है, उसी तरह से अगर कैथोड की रिएक्शन हम करें, सो कैथोड किस चीज का बना है, PbO2 का. ये जो लेड डाइऑक्साइड की प्लेट्स हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट से H पॉजिटिव आयंस लेती हैं, 4H पॉजिटिव. अब कैथोड में क्या होगी, रिडक्शन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स राइट. सो दिस इज गोइंग टू गिव अस Pb2 पॉजिटिव प्लस 2H2. ठीक है, अब ये जो Pb2 पॉजिटिव यहां पे बना, ये रिएक्ट करेगा SO4 2 नेगेटिव के साथ टू गिव PbSO4 राइट. ओवरऑल रिएक्शन अगर कैथोड की देखें, अगेन Pb2 पॉजिटिव और Pb2 पॉजिटिव कर गया. ठीक है, सो रिएक्शन क्या आ जाएगी, PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव PbSO4 प्लस 2H2 राइट. सो ये वाली जो रिएक्शन है, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन फॉर द एनोड, और ये वाली जो रिएक्शन है दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन फॉर द कैथोड. तो सेल की ओवरऑल रिएक्शन अब क्या हो जाएगी, इन दोनों को हम ऐड करेंगे. सो ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द सेल, सेल की ओवरऑल रिएक्शन हो गई Pb प्लस PbO2 प्लस ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कट गया राइट. सो हमारे पास आ गया प्लस 4H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव और ये भी SO4 2 नेगेटिव. सो 2 SO4 2 नेगेटिव. ठीक है, टू गिव PbSO4 राइट. एक PbSO4 ये है और एक PbSO4 ये है एंड प्लस 2H2. ठीक है, सो ये ओवरऑल रिएक्शन आ जाती है लेड स्टोरेज बैटरी. नाउ इन दिस केस सेल जो है वो डेड कब होगा, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि H2SO4 जो है वो कंज्यूम हो रहा है राइट. सो H2SO4 जब कंज्यूम होता रहेगा तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डेंसिटी कम होती रहेगी, और जब इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी कम होती जाती है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो खत्म हो जाएगा. 38% H2SO4 हम यूज कर रहे हैं, तो सल्फेट के आयन्स और H पॉजिटिव के आयन्स जो है वो खत्म हो जाते हैं. जैसे वो खत्म होते हैं वैसे ही जो सेल है वो डेड हो जाता है. अब बेसिकली कार की बैटरी आपने देखा है कि इसकी लाइफ होती है, कुछ हम जो हम सुनते हैं वो सुनते हैं कि 4 साल के बाद बैटरी चेंज करनी पड़ती है या 5 साल के बाद बैटरी चेंज करनी पड़ती है. मतलब 5 साल तक वो बैटरी अगर
अगर बीच में कभी डेड भी हो गई तो हम उसको रिचार्ज करके दोबारा से ऑपरेशन बना सकते हैं. पर जब H2SO4 बिल्कुल ही थिन हो जाता है तो तब इन दैट केस क्या करना पड़ता है, हमें बैटरी को रिप्लेस करना पड़ता है. ठीक है, अब जब सेल डेड हो गया इन दैट केस आपने देखा होगा कि बैटरी को दूसरी कार बैटरी से हम रिचार्ज करते हैं, दो वायर्स लेके दोनों के टर्मिनल्स के साथ उसको ज्वाइन करेंगे और उसको हम दूसरी बैटरी को रिचार्ज करेंगे. एज वी सेड जब हमने शुरू किया था कि जब रिचार्ज ऑफ बैटरी होती है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट होता है और ये वाली जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाती है. ठीक है, सो ड्यूरिंग रिचार्जिंग ऑफ बैटरी रिएक्शन क्या आ जाएगी, रिचार्जिंग ऑफ अ बैटरी द रिएक्शन इज रिवर्स, दैट इज ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिसको हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास करके स्पॉन्टेनियस बनाते हैं. सो आ गया हमारे पास पीवी प्लस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव को H2SO4. ठीक है, सो वी हैव नाउ जब हमने रिचार्ज करी है बैटरी तो हमारे पास रिएक्टेंट्स जो कि सेल को ऑपरेशनल बनाने के लिए जरूरी थे वो हमें वापस मिल जाते हैं एंड द सेल कैन बी रिचार्ज्ड. ठीक है, इज इट क्लियर, समझ आ गया. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट दिस थिंग फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेड स्टोरेज बैटरी. एक और सेकेंडरी सेल होता है जिसको हम लोग निकल कैडमियम स्टोरेज सेल बोला. निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल में एनोड इज मेड अप ऑफ कैडमियम, कैथोड इज मेड अप ऑफ निकल डाइऑक्साइड ठीक है, और जो हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सो लेट्स डू द रिएक्शन ऑफ द एनोड एंड द कैथोड. पहले एनोड की रिएक्शन, एनोड पे हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो कैडमियम दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा टू एंटर इनटू Cd2 पॉजिटिव स्टेट. फिर कैथोड की रिएक्शन, कैथोड पे जो निकल डाइऑक्साइड है वो बनाता है रिएक्टिंग विद द इलेक्ट्रोलाइट, इट फॉर्म्स निकल हाइड्रोक्साइड राइट. और कैथोड पे हमें पता है हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होती है, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स टू मेक निकल गो फ्रॉम 3 पॉजिटिव स्टेट टू 2 पॉजिटिव स्टेट. यहां पे निकल की प्लस 3 पॉजिटिव है और वहां पे निकल की 2 पॉजिटिव है ठीक है, एंड प्लस 2 OH नेगेटिव. राइट, ओवरऑल रिएक्शन लिखो इसकी क्या आती है, ऊपर वाले रिएक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं Cd प्लस, ताकि यहां पे हम लोग इस दोनों को काट चुके काट सके आसानी से. सो Cd प्लस 2 OH नेगेटिव माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव CdO प्लस H2 राइट. सो ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे. सो आई एम राइटिंग दिस रिएक्शन अगेन, Cd प्लस 2 OH नेगेटिव माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव CdO प्लस 2
Ni OH twice plus H2O. So overall reaction में electrons and electrons करके OH negative और OH negative भी कट गया, तो वापस क्या बचा? 2Ni OH both twice plus CD to give 2 ठीक है plus और प्लस क्या आ जाएगा H2. ये रिएक्शन वापस से देखो, ऊपर से कॉपी करके फिर प्लस H2 आना है ठीक है. सो लेट्स जस्ट सी द रिएक्शन वंस अगेन. एनोड की जो रिएक्शन है दैट इज कैडमियम रिएक्ट्स विद OH नेगेटिव आयंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट टू गिव अस CdO + H2O राइट. और जब हम यहां पे निकल की रिएक्शन कर रहे हैं तो निकल भी टू इलेक्ट्रॉन्स गेन करके निकल हाइड्रोक्साइड + 2 OH नेगेटिव बना रहा है. जब हम इन दोनों की रिएक्शंस को कर रहे हैं ओवरऑल रिएक्शन फाइंड करने के लिए तो OH नेगेटिव यहां और OH नेगेटिव यहां पे दोनों कैंसिल हो गए ठीक है. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो गए, सो वापस क्या बचा? NiOH3 + Cd टू गिव 2 NiOH twice + CdO + H2O. अब ये वाली रिएक्शन भी अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ आयंस. ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ आयंस ठीक है. एंड सेकेंडली देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैसियस परत्स, नो फॉर्मेशन ऑफ आयंस एंड नो फॉर्मेशन ऑफ गैसियस परत्स. क्लियर हो गया? सो बिकॉज ऑफ दिस इसकी जो लाइफ होती है दैट इज मोर एंड द वोल्टेज इज 1.4 वोल्ट. जब ये सेल डेड होता है तो रीचार्जिंग ऑफ अ बैटरी इज डन इन अ सिमिलर मैनर जैसे हम लेड स्टोरेज बैटरी का करते हैं, रिएक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं राइट. सो निकल हाइड्रोक्साइड को CdO के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वॉटर टू गिव अस बैक द reactants which are required for the operation of the cell. ठीक है? So अब हमें सारे याद हो गए. एक बार ये छोटा सा recap मार लेते हैं क्योंकि general आना मार के questions भी इसमें से आ सकते हैं कि cathode कौन सा है, anode कौन सा है, electrolyte कौन सा है. So हमें सबके ये पता होने चाहिए. ठीक है? सबसे पहले cell name of the cell कौन कौन से हमने करे? dry cell करा ठीक. second हमने कौन सा करा? mercury cell करा. third हमने lead storage factory. और fourth सबके एनोड लिखते हैं पहले. ड्राई सेल में एनोड किस चीज का बना था? जिंक ठीक है. मर्क्यूरी सेल में जिंक मर्क्यूरी एमलगम. लेड स्टोरेज में लेड प्लेट्स ठीक है. और निकल कैडमियम में कैडमियम राइट. फिर आ गया कैथोड. इसमें कैथोड ग्रेफाइट का है, नॉन रिएक्टिव कैथोड. मर्करी सेल में कैथोड
सिल्वर ऑक्साइड सॉरी मर्करी ऑक्साइड लेड स्टोरेज बैटरी में कैथोड लेड डाइऑक्साइड और निकल कैडमियम में निकल डाइऑक्साइड ठीक है फिर इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा दिया था अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड ठीक है और वर्करी सेल में किस चीज का था वर्करी सेल में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था जल्दी बोलो पेस्ट ऑफ ठीक है लेड स्टोरेज बैटरी में क्या था 38% H2SO4 और निकल कैडमियम में भी KOH ये आपने याद रखना है बार बार मार्क के क्वेश्चन के लिए बाकी रिएक्शन सबकी याद होनी चाहिए एनोड रिएक्शन कैथोड रिएक्शन एंड ओवरऑल ठीक है अब एक और तरह का सेल हम करेंगे which is known as again an electrochemical cell only it is known as fuel cell fuel cell right fuel cell में जो हम anode और cathode use करते हैं they are particularly gases are supplied from both the sides तो फ्यूल सेल हम इसको बुलाते भी क्यों है है क्या ये है तो वही वोल्टेज सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है ये भी दे आर वोल्टेज सेल्स इन विच रिएक्टेंट्स आर कंटिन्यूसली सप्लाइड रिएक्टेंट्स आर continuously supplied in the form of gases from both cathode and anode from both cathode and anode an example of such a cell is hydrogen oxygen fuel cell right it consists of a simple setup ek is tarah se container hai jisko hum various compartments mein divide kar dete hain This is the anode, which is negatively charged, and this is the cathode, which is positively charged. Anode और cathode के बीच में electrolyte is taken, which is aqueous. KOH और यहां से एक हम आउटलेट दे देते हैं क्योंकि जब हम रिएक्शन देखेंगे तो उसमें देखते हैं कि वाटर प्रोड्यूस होता है वो वाटर जो है उसको हम यहां से निकालते रहते हैं ठीक है एनोड वाले साइड से कंटिन्यूसली हाइड्रोजन इज सप्लाई और कैथोड वाली साइड से कंटिन्यूसली ऑक्सीजन इज सप्लाई जो इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें ले रहे हैं दे आर पोरस कार्बन इलेक्ट्रॉन्स
non-reactive electrodes कहते हैं, right? So let's see the reactions. Reaction at the anode. Anode में क्या होता है? Oxidation. So hydrogen जो यहाँ पे है, जो कि हम anode वाली side से supply कर रहे हैं, ये OH negative लेगा. From the electrolyte to give water, ठीक है. Similarly, जो oxygen यहाँ पे है, cathode वाली side, वो इस water के साथ react करता है. और रिडक्शन रिएक्शन अंडरगो करता है टू गिव 4 OH नेगेटिव. यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आए थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. अब इधर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, इस वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट. जब ओवरऑल रिएक्शन हम इसकी देखते हैं, सो ये 2 × 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कट हो जाएंगे, ये 2 OH × 2 4 हो गया, ये और ये भी कट जाएगा. सो फाइनल रिएक्शन हमारे पास क्या आ गई, H2 + O2 + 2H2O. 2H2 आएगा यहाँ पे, 2 2s 4 आ रहा है, 4 minus 2 कितना आएगा, 2 only ना. So reactant side पे हमारे पास water नहीं रहता है, it is only going to come on the product side. ठीक है, so ये जो water यहाँ पे produce हो रहा है, उसको हम लोग continuously यहाँ से निकालते हैं. एडवांटेजेस जब हम इसकी देखते हैं फ्यूल सेल की, द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ द फ्यूल सेल इज दैट इट हैज हाई एफिशिएंसी एक फ्यूल सेल की मानी जाती है ऐसे कि 100% एफिशिएंसी होनी चाहिए, कि जितने हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली 100% एनर्जी शुड बी प्रोड्यूस. बट इन जनरल इसकी जो एफिशिएंसी रहती है दैट इज 60 to 70% ओनली, बट स्टिल इट इज हाई अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी. और एफिशिएंसी हम इसकी कैलकुलेट कैसे करते हैं, इट इज ईटा इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100, वह डेल्टा जी क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी, और डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी चेंज. सो ईटा व्हिच इज द एफिशिएंसी इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100. सो ये इसकी फर्स्ट एडवांटेज है. सेकेंड एडवांटेज इसके लिए है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली गैसेस को सप्लाई करते रहते हैं फ्रॉम द एनोड एंड द कैथोड, सो it gives us continuous supply of energy. It gives us continuous supply of energy. And third, you can see over here कि कोई भी गैस नहीं निकल के, जो निकल रहा है it's only water. So ये क्या है, it has a pollution free working, ठीक है, it has a pollution free working. So ये fuel cell and its advantages. A fuel cell इसके अलावा जो gases हम use कर सकते हैं, hydrogen और oxygen के अलावा, the gases are methane, ethane,
यूएसए में डिस्कवर हुआ है. जिसको हम लोग जेड ए एफ सी बुलाते हैं. जेड ए एफ सी, ठीक है. दिस इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ पावर इन ऑटोमोबाइल्स, एज अ सोर्स ऑफ पावर इन ऑटोमोबाइल्स, ताकि जो पेट्रोल की बर्निंग से पोल्यूशन हो रही है उसको कम कर सके. ठीक है. सो दिस इज योर ऑलमोस्ट द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर. द लास्ट टॉपिक विच इज लेफ्ट इज करोजन. सो लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज करोजन. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे सेल्स अच्छे से समझ आ गए. सो हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज करोजन. क्या होता है करोजन? रस्टिंग को हम आयरन के केस में यूज करते हैं ना. करोजन का मतलब होता है डिटीरियोरेशन. डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड वाटर. On exposure to air and water, उसको हम corrosion बुलाते हैं, right? What are the factors? Factors affecting corrosion? The first factor जो करोजन को इफेक्ट करता है, दैट इज पोजिशन इन द ईएमएफ सीरीज. जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा वो इजिली करोड होगा. पोजिशन इन ईएमएफ सीरीज, ठीक है. अब हमें पता है कि हाइड्रोजन से नीचे वाले सारे मेटल्स जो है वो क्या है, एक्टिव. तो जितने भी मेटल्स जितने ज्यादा एक्टिव उतनी ज्यादा करोजन होती है, राइट. अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग जिंक एंड एफ पी को कंपेयर करें, सो जिंक एंड एफ पी को जब हम कंपेयर करते हैं तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. सो जिंक ज्यादा इजिली करोड होगा देन आयरन, ठीक है. सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेटल्स. Presence of impurities in the metals also enhance or increases the chance of corrosion. Increases or enhance the process of corrosion. Third, presence of electrolytes. Agar jo water करोड कर रहा है किसी भी एक मेटल को, राइट, और उस वाटर के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, वो करोजन को स्पीड अप करेगा. सो दैट आल्सो एनहांसेस करोजन, ठीक है. प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल आल्सो इंक्रीज करोजन. ओके, फिर फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर. प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, दिस विल ऑल्सो इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ करोजन. इट इंक्रीजेस द प्रोसेस ऑफ करोजन, ठीक है. करोजन जब हम लोग करते हैं, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ आयरन, व्हेन वी आर टॉकिंग, तो इसको एक स्पेशल नेम देते हैं विच इज नोन एज रस्टिंग. रस्टिंग बेसिकली क्या है, इट इज अ ब्राउन मास विच इज फॉर्म्ड
जब आयरन एक्सपोज किया जाता है टू एयर एंड वाटर, आजकल जैसे रेनी सीजन है यहाँ पे, तो रेनी सीजन में अगर कईयों ने अपनी बैल्कनीज में जो रेलिंग्स है उनको पेंट नहीं किया हुआ है तो क्या होता है, आपने देखा उसमें ब्राउन कलर आ जाता है, उस ब्राउन कलर को क्या बुलाते हैं हम, इट इज रस्ट। तो हम बोलते हैं कि जब मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग अगर हम देखें, तो हम बोलते हैं कि जब आयरन इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर आता है तो ये एक वोल्टिक सेल बन जाता है, इट बिकम्स एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें रिडॉक्स रिएक्शंस होंगी, ठीक है। सो अगर ये सरफेस है आयरन का इस तरह से और ये एक वाटर का ड्रॉप है, तो जो आयरन है दैट इज गोइंग टू बिहेव एज व्हाट, इट इज गोइंग टू बिहेव एज एनोड। ठीक है, सो जो ये आयरन का हम पीस ले रहे हैं दिस इज गोइंग टू बिहेव एज व्हाट, इट इज गोइंग टू बिहेव एज एनोड। अब आप देख रहे हैं यहां पे कि आयरन दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है दैट गोज टू द सर्फेस जहां पे वॉटर और एयर दोनों प्रेजेंट है, which is behaving as a cathode, और ये anode आ गया, और जो Fe2 positive यहां पे बन रहा है ये Fe2 positive water droplet की तरफ चला जाता है, ठीक है। so पूरा mechanism in terms of reactions देखते हैं, reaction at the anode, anode पे Fe loses two electrons टू गेव Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। अब कैथोड में जो रिएक्शन होती है दैट इज ड्यू टू वॉट, वॉटर की वजह से और एयर की वजह से, वॉटर की वजह से अगर हम रिएक्शन देखें तो वॉटर क्या कर रहा है, इट इज कन्वर्टिंग इन टू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है सो ये वॉटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करेगा, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और लास्टली जो ये कार्बोनिक एसिड यहां पे बन रही है ये और H पॉजिटिव आयंस बनाती है, राइट। तो ये तीन रिएक्शंस की कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें प्राइमरी कैथोड की रिएक्शन देती है, फर्स्ट रिएक्शन जो वाटर ड्रॉपलेट है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर के साथ रिएक्ट करती है टू गिव कार्बोनिक एसिड, और वो कार्बोनिक एसिड भी H पॉजिटिव और CO3-2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रही है। सो कैथोड की जब हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं सो कैथोड में मेजर रिएक्शन को क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एच पॉजिटिव यहां, एच पॉजिटिव यहां, अब ये जो एच पॉजिटिव है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। सो कैथोड की जो हमारी रिएक्शन होगी दैट इज 4H पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यही बोला ना हमने, जो H पॉजिटिव बन रहा है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो ये हमें दे देता है क्या, इट इज गोइंग टू गिव अस वाटर H2O। ओवरऑल रिएक्शन देखो यहां पे 4 है यहां पे 2 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस रिएक्शन को सो दैट हम इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट कर सके, तो क्या आ गया 2Fe, ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स कट गए प्लस 4H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन टू गिव Fe2 पॉजिटिव प्लस 2H2।
2Fe2 positive plus 2H2. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो फेरस के आयंस बन रहे हैं, फेरस के आयंस कौन से बन रहे हैं, Fe2 पॉजिटिव बन रहे हैं, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर. सो क्या बोल रहे हैं हम, द Fe2 पॉजिटिव आयंस Fe2 positive ions produced are further oxidized with oxygen of the atmosphere. ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी, Fe2 पॉजिटिव प्लस O2 और वाटर तो है ही, बिकॉज अल्टीमेटली हम बोल रहे हैं कि ऑन एक्सपोजर टू ऑक्सीजन या एयर एंड वाटर रस्ट बनता है, सो वाटर भी होगा Fe2O3 बना देता है ये प्लस H पॉजिटिव. ठीक है, अब ये जो Fe2O3 यहां पे बन रहा है, Fe2O3 ये वाटर के साथ X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू गिव अस रस्ट. Fe2O3.XH2. यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा. ठीक है, इज इट क्लियर? सो ये आ गया रस्ट, राइट. अब रस्ट या हम करोजन कहें, चाहे हम रस्ट कहें, तो अल्टीमेटली ये कर रहा क्या है, मेटल्स को खराब कर रहा है, करोड करता रहेगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, खत्म हो जाएंगे, राइट. सो प्रिवेंशन करनी इसकी जरूरी है. सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करोजन, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करोजन जो तुमने जूनियर क्लासेस में करे हुए हैं, फर्स्ट इज ऑयलिंग और पेंटिंग. ऑयलिंग या पेंटिंग क्या करती है, एक लेयर क्रिएट कर देगी. अगर उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है तो वो कट हो जाता है सप्लाई ऑफ वाटर एंड एयर बोथ, और उसकी वजह से क्या होगा, ये वाली जो सारी रिएक्शंस हैं ये नहीं होगी. ठीक है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट मेथड. जनरली हम लोग भी अपनी रेलिंग वगैरह को क्या करते हैं, पेंट ही करते हैं ना. सेकेंड जो है गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग इज कोटिंग विद जिंक. जिंक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो जिंक को जब हम कोट, जिंक की कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर, तो जिंक जो है वो करोड हो जाता है इंस्टेड ऑफ आयरन, और इसको हम बुलाते क्या है, दिस इज ऑल्सो नोन एज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जिंक अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहा है और आयरन को बचा रहा है, इसलिए हम इसको सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी बुलाते हैं. ठीक है, फिर एक और है थर्ड, यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशंस, यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशंस. एंटी रस्ट सॉल्यूशंस क्या हुए, जिनकी रस्टिंग इजीली नहीं होती, तो उसकी एक लेयर हम लोग डाल देते हैं ऑन द रिस्पेक्टिव मेटल, उसकी वजह से उसकी रस्टिंग, जो मेटल का रस्टिंग है वो बच जाती है, राइट. सो एंटी रस्ट सॉल्यूशंस आपके हैं कौन कौन से,
Example, solutions of alkaline phosphates. They are used as anti-rust solution. ठीक है, अब ये anti-rust solutions ऐसा क्या करते हैं कि rusting को वो खत्म कर दे, वो जितने भी यहां पे H positive ions produce हुए ना, उन सारे H positive ions को reaction में से remove कर देते हैं, right? अब H positive अगर यहां से भी remove हो रहा है, यहां से भी remove हो रहा है, तो यहां से भी remove हो जाएगा, so cathode की reaction ही नहीं हो पाती, और एक voltage cell जो जरूरी होता है रस्टिंग के लिए वो भी सेटअप नहीं हो पाता एंड अल्टीमेटली रस्टिंग डज नॉट टेक प्लेस. राइट, सो विद दिस वी फिनिश आवर चैप्टर 3.